वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरओआरओ बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, मायसेल्फ अलका पांडे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के 100 एमसीक्यू जो आपकी पीसीएस परीक्षाओं के लिए, वनडे एग्जाम के लिए, सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला सवाल है, हाल ही में देश में पहली बार ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन उत्तराखंड के किस जिले में किया गया? तो ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है, आयोजन किया गया है देहरादून में। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की समग्र गुणवत्ता बुनियादी ढांचा प्रणाली किस स्थान पर है? तो 10वें स्थान पर। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत का 10वां स्थान है। G20 अंतर्राष्ट्रीय फूड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो G20 अंतर्राष्ट्रीय फूड फेस्टिवल आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। फरवरी 2023 में पहला सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। सुंदरबन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये है पश्चिम बंगाल में, सुंदरबन नेशनल पार्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG और US स्पेशल ऑपरेशन फोर्स SOF द्वारा तर्कस अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तर्कस अभ्यास चेन्नई में, ये NSG और SOF यानी US स्पेशल ऑपरेशन फोर्स का संयुक्त अभ्यास है। 11 फरवरी 2023 को दूसरा भारतीय चावल कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? तो कटक उड़ीसा में। किस राज्य में स्थित सप्तकोटेश्वर मंदिर का जीर्णोद्वार किया गया है? सप्तकोटेश्वर मंदिर का जीर्णोद्वार किया गया है गोवा में, सप्तकोटेश्वर मंदिर गोवा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट का 60वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अहमदाबाद, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, इसका वार्षिक सम्मेलन अहमदाबाद। 10-12 फरवरी को लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, ये लखनऊ में। फिर किस संस्था ने G20 स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है? तो यह है मेटा, ठीक है, यानी फेसबुक, जिसका नाम अब बदल के मेटा कर दिया गया है। ये मेटा और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की साझेदारी से है G20 स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान। हाल ही में किस भारतीय महिला गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन का खिताब जीता है? तो ये है अदिति अशोक। 10 फरवरी को भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2023 को तीसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों यानी ADGMIN की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। तो आसियान में कुल कितने सदस्य हैं वर्तमान में? 10 हैं, ठीक है, आसियान में कुल 10 सदस्य हैं। विश्व प्रौद्योगिकी विधि सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है टोरंटो कैनेडा में। 3 दिवसीय 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 फरवरी से किस देश में आयोजित किया गया? ये विश्व हिंदी सम्मेलन, देखिए करंट अफेयर्स पुराना है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ है फिजी में। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 12 फरवरी को, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी। खेलो इंडिया युवा खेलों 2023 में महाराष्ट्र कितने पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र को मिले हैं कुल 161 पदक, ठीक है, जिसमें आपके 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज हैं, ठीक है, 56, 55, 50 महाराष्ट्र इसमें शीर्ष पर है खेलो इंडिया युवा खेल। शीर्ष 3 पदक विजेता राज्य, तो देखिए महाराष्ट्र तो टॉप पर है, फिर हरियाणा है और मध्य प्रदेश है। सीक्वेंस देख लीजिएगा, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इसमें 3 रैंकर हैं। खेलो इंडिया युवा खेलों में उत्तर प्रदेश कुल 36 पदक, ठीक है, के साथ पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो उत्तर प्रदेश का रहा है 14वां स्थान। उत्तर प्रदेश को मिले हैं कुल 36 पदक, जिसमें आपके 6 गोल्ड हैं, 14 सिल्वर हैं और 16 ब्रॉन्ज हैं, 6, 14, 16। बिहार के कुल कितने खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? तो बिहार के खिलाड़ियों को 7 पदक मिले हैं, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज। फिर उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? उत्तराखंड को भी 7 पदक मिले हैं, लेकिन हाँ, उनको 2 गोल्ड मिला है, 1 सिल्वर मिला है, 4 ब्रॉन्ज मिला है। लद्दाख का उपराज्यपाल किसको नियुक्त किया गया है? लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है BD मिश्रा को। मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के अगले राष्ट्रपति होंगे? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन होंगे बांग्लादेश के अगले राष्ट्रपति।
हाल ही में किस देश की सरकार ने देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार एकुशे पदक के पुरस्कार के लिए 19 व्यक्तियों और 2 संस्थानों के नामों की घोषणा की है। तो एकुशे पदक जो है ये बांग्लादेश सरकार का पुरस्कार है, ये बांग्लादेश सरकार का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। कोयला मंत्रालय ने 16 फरवरी 2023 से पीएम गति शक्ति नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी पर पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। तो ये सम्मेलन होगा भुवनेश्वर में। धारा रिवर सिटी अलायंस के सदस्यों की वार्षिक बैठक 13-14 फरवरी 2023 को कहाँ आयोजित की गई? धारा रिवर सिटी अलायंस, ये बैठक आयोजित की गई है पुणे में। विश्व खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड पहले स्थान पर है, भारत की कौन सी रैंकिंग है? भारत की रैंकिंग है 136, ठीक है, और इसमें है फिनलैंड पहले स्थान पर, ये है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? 2000 विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है 13 फरवरी को, और पहली बार इसको मनाया गया था 2012 में। और बेंगलुरु के येलहंका वायुसेना स्टेशन में आयोजित 14वें एयरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया, और इसका आयोजन हुआ है बेंगलुरु के येलहंका वायुसेना स्टेशन में। किस देश के मेंढक की नई प्रजाति उका गुरु स्पाइनी थ्रोटेड रीड की खोज की गई है? तो ये है तंजानिया में, तंजानिया में मेंढक की इस नई प्रजाति की खोज की गई है। फीफा क्लब विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये है रियल मैड्रिड। फीफा कप विश्व कप 2023 रियल मैड्रिड। फिर यूनेस्को का शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? 2022 यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एंजेला मर्केल को। ताज मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? ताज मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है अक्षता रक्षे ने। डोरिन रिसियन किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? बेलारूस की। फिर है क्रिकेट के तीन प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? ये हैं रोहित शर्मा, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा। डार्विन दिवस किस दिन मनाया गया? तो डार्विन दिवस मनाया गया है 12 फरवरी को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, ठीक है, कौन सा देश 2025 तक विश्व की आधी बिजली का उपयोग करेगा? तो ये करेगा एशिया, ठीक है, एशिया विश्व की 2025 तक विश्व की आधी बिजली का प्रयोग करेगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किन दो देशों के बीच खेले जाने वाली एक क्रिकेट श्रृंखला है? तो ये है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। 11 से 19 फरवरी को संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है मुंबई में। मेकिंग द डिजिटल इकोसिस्टम डिसेबल्ड फ्रेंडली नामक रिपोर्ट किस ऐप को विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का सबसे सुलभ ऐप का दर्जा दिया गया है? तो व्हाट्सएप को। समाधान अ क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? इस पुस्तक का विमोचन किया है जनरल मनोज पांडे ने, सावधान अ क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा? कानपुर में, देश का पहला लेदर पार्क कानपुर में। फिर है हाल ही में निकोस क्रिस्टोडोलाइट साइप्रस के राष्ट्रपति चुने गए हैं, साइप्रस की राजधानी क्या है? तो साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। 16 से 27 फरवरी को राष्ट्रीय आदि महोत्सव 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो राष्ट्रीय आदि महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने महासंधि का जीरो ड्राफ्ट जारी किया है? महामारी संधि का जीरो ड्राफ्ट ये जारी किया गया है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा महामारी संधि का जीरो ड्राफ्ट जारी किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश की सरकार के साथ उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर यानी ALH MK3 के निर्यात के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो HAL का मॉरिशस के साथ हस्ताक्षर किया गया है इसके निर्यात के लिए। ये एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर है ALH MK3, याद रखिएगा HAL और मॉरिशस। फिर है राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस देश के साथ सोने की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ईस्टर्न गेटवे शुरू किया है? तो ये है DRI का बांग्लादेश के साथ। ये ऑपरेशन ईस्टर्न गेटवे जो है ये सोने की तस्करी को रोकने के लिए है, ये राजस्व खुफिया निदेशालय और बांग्लादेश के बीच में है।
फिर देश का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा नई दिल्ली में। किस पेमेंट बैंक ने G20 की भारत की अध्यक्षता और मोबाइल भुगतान में देश के नेतृत्व का जश्न मनाने के लिए एक विशेष G20 थीम QR कोड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है पेटीएम के द्वारा। पेटीएम का है G20 थीम QR कोड। ये इसलिए है कि भारत की जो G20 में अध्यक्षता है और मोबाइल भुगतान में जो देश का नेतृत्व है, इसका जश्न मनाने के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2023 का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किस भारतीय क्रिकेटर ने जीता है? तो शुभमन गिल को। हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई-प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है जीन एरिक वर्गेन ने। दिसंबर 2022 में चुनाव भारत के चुनाव आयोग ECI ने किस राज्य के राज्य विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है असम के लिए। ठीक है, असम के राज्य विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। फिर निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में भारत में वर्ष 2023 के अंत तक पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये है उड़ीसा सरकार का। ठीक है, पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनना है 2023 तक, ये उड़ीसा सरकार का टारगेट है। फिर जनवरी 2023 में क्षेत्रीय वाहक फ्लाई बिग ने निम्नलिखित में से किन दो शहरों के बीच में अपनी सेवा शुरू की है? ये ईटानगर से गुवाहाटी तक, क्षेत्रीय वाहक फ्लाई बिग। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या यानी ULPIN का शुभारंभ किया? तो ये शुभारंभ किया है RK माथुर ने। ये है आपका यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। आगे बढ़ते हैं। तिरंगी दिवस 2023 किस दिन मनाया गया? तो 13 फरवरी को। जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये उद्घाटन हुआ है पश्चिम बंगाल कोलकाता। ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान, उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने। निम्नलिखित में से किन दो शहरों के बीच भारत का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे बनाया जा रहा है? तो ये दिल्ली से जयपुर तक भारत का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे। ओडिशा में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र किस वर्ष तक शुरू हो जाएगा? तो ये शुरू होगा 2024 तक। तलचर उर्वरक संयंत्र, ये कोयला गैसीकरण आधारित संयंत्र है, इसको शुरू करना है 2024 में और ये उड़ीसा में है। फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सी भाषा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली सबसे नई भाषा बनने वाली है? तो ये है पंजाबी। फिर 15 जनवरी 2023 को आदियोगी शिव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? कर्नाटक में। ठीक है, 112 फीट ऊंची प्रतिमा आदियोगी शिव की कर्नाटक में। किस राज्य में आयोजित नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने जीत लिया है? तो नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ झारखंड में। ललिता लाजमी का निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध चित्रकार थी। फिर भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस किस शहर में शुरू हुई है? तो ये शुरू की गई है मुंबई में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने जनवरी 2023 के अंत तक देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रियाना बरनावी को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है 2023 के अंत तक? तो ये रियाना बरनावी है सऊदी अरब की। 15 से 17 फरवरी तक आयोजित इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो की मेजबानी किस राज्य ने की? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल ने इसकी मेजबानी की है, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो। जनवरी 2023 का ICC वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किस देश की खिलाड़ी ग्रेस स्क्रीवेंस ने जीता है? तो ग्रेस जो है वो इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने आए चक्रवाती तूफान गैब्रियल के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड। ठीक है, तूफान गैब्रियल न्यूजीलैंड, इसकी वजह से न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो पेटीएम। फिर है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो राजेंद्र अर्लेकर ये हुए हैं बिहार के राज्यपाल। फिर हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इफको के नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया है मनसुख मांडविया ने, और इफको के नैनो यूरिया तरल संयंत्र उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में।
किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस योजना का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार की मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस योजना। हाल ही में किस देश के नेब्रास्का के सैंड हिल्स में एक नए प्रकार के क्वेसी क्रिस्टल की खोज की गई है? तो ये अमेरिका में ये खोज की गई है। फरवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 जो है ये राज्यपाल की नियुक्तियों से संबंधित है। और द्रौपदी मुर्मू ने 12 राज्यपाल और एक केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नियुक्त किया है। फिर विश्व प्रसिद्ध पैगोंग त्सो हिल पर झील पर भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित की जाएगी। ये कहाँ है? तो ये लद्दाख में है। ठीक है, फ्रोजन लेक मैराथन। गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर थीम के साथ वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2023 कब से कब तक मनाया गया? तो ये 13 से 17 फरवरी। हाल ही में इसराइल के वुल्फ फाउंडेशन के द्वारा वुल्फ पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। यह पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है? तो ये 1978 से दिया जा रहा है। ठीक है, 1978 से वुल्फ फाउंडेशन द्वारा वुल्फ पुरस्कार 2023, और ये इसराइल का है। 15 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है? तो यह है चिली। ठीक है, कृषि संबद्ध क्षेत्रों में भारत और चिली। 15 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 से 25-26 तक केंद्र आयोजित योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है? तो इसको मिले हैं 4800 करोड़ रुपए। ठीक है, 4800 करोड़ रुपए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में सिंकुला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी है। ये कितने किलोमीटर लंबी होगी? तो ये होगी 4.1 किलोमीटर। G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक 22 फरवरी से कहाँ आयोजित की जाएगी? तो संस्कृति कार्य समूह वाली बैठक की जाएगी खजुराहो मध्य प्रदेश में। भारत की अध्यक्षता में G20 बैठक के अंतर्गत वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली G20 बैठक 24 और 25 फरवरी को कहाँ आयोजित की जाएगी? तो बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलोर में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली G20 बैठक। किस केंद्रीय मंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क पुणे में उद्घाटन किया? तो अमित शाह ने। ठीक है, पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क। तारक रत्न का निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध अभिनेता थे तारक रत्न। केंद्र सरकार उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थापित करेगी? तो उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित होगा हरियाणा में। GST परिषद की 49वीं बैठक 18 फरवरी को केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई है नई दिल्ली में, GST परिषद की 49वीं बैठक। किस संगठन को गृह मंत्रालय ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है? आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है खालिस्तान टाइगर फोर्स और जम्मू कश्मीर के गजनवी फोर्स को। ठीक है, खालिस्तान टाइगर फोर्स, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, ये आतंकवादी संगठन, इसको घोषित किया गया है भारत के गृह मंत्रालय ने। फिर किस देश के अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हुआंगसोंग 15 का परीक्षण किया गया? तो ये उत्तर कोरिया की है। किस देश के खिलाड़ी ईगा स्वीटेक ने लगातार दूसरा कतर ओपन खिताब जीता है? तो ये पोलैंड के खिलाड़ी। ठीक है, ईगा स्वीटेक। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन यानी NOTTO वैज्ञानिक संवाद 2023 का आयोजन किया? तो ये परिवार और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। फिर है, हाल ही में किस संस्था ने पेशेवर क्रिएटर्स के लिए नया जियोन वर्क स्टेशन प्रोसेसर लॉन्च किया है? तो ये इंटेल ने लॉन्च किया है। 18 से 20 फरवरी को कृषि दर्शन एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? हिसार हरियाणा में, कृषि दर्शन एक्सपो 2023 हिसार हरियाणा। फिर किस मंत्रालय ने ड्राफ्ट भू विरासत स्थल और भू अवशेष संरक्षण और रखरखाव विधेयक 2022 अधिसूचित किया है? तो यह है खान मंत्रालय का, ड्राफ्ट है भू विरासत स्थल और भू अवशेष। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? 2035 से, 2035 से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध। हाल ही में इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज थीम के साथ दूसरे ग्लोबल हैकथॉन
हार्बिंगर 2023 की घोषणा की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर 25 फरवरी 2023 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया। दोनों राज्यों को किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश का राज्य दर्जा मिला था, तो ये 1987 में अरुणाचल और मिजोरम। फिर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे एंड रेलवे सुरक्षा बल द्वारा संयुक्त रूप से 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया है जयपुर में। जयपुर में विश्व सुरक्षा कांग्रेस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। फिर किस राज्य सरकार ने अपना पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला आयोजित किया गया है, झींगा मेला आयोजित किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। फिर है संयुक्त राष्ट्र ने भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज हैं, इनको संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना है। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के सत्र की अध्यक्ष। फिर एक केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इको सिस्टम के सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो अश्विनी वैष्णव ने इसका उद्घाटन किया है, सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन। और आज का आखिरी सवाल है, 20 फरवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक आयोजित किया जा रहा है, तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच का सैन्य अभ्यास है। तो आज के लिए इतना ही, अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।